हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्यूमन करी। आज हम बनाने वाले हैं कीटो डाइट वाले बटर गार्लिक मशरूम की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल है और सिर्फ चार चीज़ों के साथ बन जाती है। मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर्स, इसमें विटामिन बी होता है। इसके अलावा इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट जिसका नाम सेलेनियम है, जो कि हमारे टिश्यूज़ वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है, वो भी होता है। ये रेसिपी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बन जाती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 7 से 8 मशरूम लेके रखे हैं, जो कि बटन मशरूम है। इसको अच्छे से पील करके वॉश करके मैंने रख लिया है, नीचे की डंठल हटा दी है। लेकिन डंठल को आप फेंकेगा नहीं, इसके बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, जिसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा गार्लिक लगेगा और फ्रेश धनिया पत्ते, तो करीबन 1 टेबल स्पून के जितना मैंने लहसुन को बारीक चॉप करके रखा है, और धनिया पत्ते भी बारीक चॉप करने हैं। धनिया पत्ते के बजाय आप पार्सले भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बट मेरे पास अभी धनिया पत्ते थे तो मैं ये रेसिपी उसी के साथ बना रही हूँ। एक पैन में आपको 1/2 टेबल स्पून के जितना ऑलिव ऑयल ऐड करना है, आप कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के जितना बारीक कटा हुआ लहसुन, 1/2 टीस्पून के जितना कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च या काली मिर्च का पाउडर, आप अपने मशरूम्स उसमें ऐड कर दीजिए। 30 सेकंड के लिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने की कोशिश करिए। आप देख सकते हैं तेल कम था, तो ये अभी आपको लग रहा होगा कि ये किस तरीके से मिक्स होगा, बट इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से सॉटे करेंगे और तुरंत ही इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून के जितना अमूल बटर, क्योंकि ये बटर गार्लिक मशरूम है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर, 1/2 टेबल स्पून के जितना मैं ऐड कर रही हूँ। बटर में भी सॉल्ट होता है, तो लास्ट में हम बहुत ही कम सॉल्ट ऐड करेंगे। बटर ऐड करते ही अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर देगा। आपको ये बहुत हाई फ्लेम पे ही करना है ये काम, जैसे आप चाइनीज़ वेजिटेबल फ्राई करते हो, स्टिर फ्राई करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से। आप देख सकते हैं टेक्सचर में थोड़ा सा चेंज आया है, इसको एकदम हाई फ्लेम पे इसी तरीके से करना है। 5 मिनट में ये बन जाता है। जब एक बार ये बटर अब्जॉर्ब कर ले, तो थोड़ी देर बाद आपको 1/2 टेबल स्पून के ही जितना बटर और ऐड करना है। इस बार ऐड करते ही अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर देगा, आप देख सकते हैं। बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, फिर इसमें हम फ्रेश धनिया पत्ते ऐड कर देंगे, या फिर आप पार्सले भी ऐड कर सकते हैं आपके पास जो भी हो। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, क्विक है, और सबसे बड़ी बात बहुत ही हेल्दी है। पानी रिलीज कर दिया इसने, अब हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद 30 सेकेंड्स के लिए आपको इसको और इस तरीके से पकाना है, ताकि नमक अच्छे से मिल जाए। सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे फ्रेश धनिया पत्ते, और धनिया पत्ते ऐड करते ही आपको गैस की फ्लेम कर देनी है बंद, ताकि धनिया पत्ते काले ना पड़े। तो इससे एक कलर मिलता है आपकी डिश को, और साथ में एक फ्रेशनेस ऐड होती है। सबसे लास्ट में दोस्तों, मैं वीडियो में दिखा नहीं पाई, बट सबसे लास्ट में थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कीजिए इसमें, और आपकी ये डिश बिल्कुल रेडी है। आप इसको एज इट इज़ खा सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के साथ साइड डिश के तौर पर इंजॉय कर सकते हैं। मैंने आज इसको इंजॉय किया था खिचड़ी के साथ, तो इसे मैंने इंजॉय किया था खिचड़ी के साथ और थोड़े से सैलेड के साथ। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई हो। इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और क्यूमिन करी का फेसबुक और इंस्टा पेज भी फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मैं वहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग फोटोज़ डालती रहती हूँ। अब मैं मिलती हूँ दोस्तों आप सभी से एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ईट हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे कनेक्टेड।